आप पहले ये वीडियो देख लीजिए और हमारे कौम के नौजवानों की जवानी पर मातम कीजिए। देखिए, देख लिया आपने वीडियो। ये वीडियो जब मैंने देखा तो देखकर बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा इसको शेयर किया जा रहा है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको दुख हो रहा है। वाकई में दुख की ही बात है, अफसोस की ही बात है। और सिर्फ इन नौजवानों का मसला नहीं है, ऐसे हमारी कौम के अक्सर नौजवानों का मसला है। ये वीडियो कहाँ का है, किधर का है, कितना पुराना है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे परे होकर हम सोचे। देखिए, जो नौजवानों के चेहरे समझ में आ रहे थे मैंने उनको ब्लर कर दिया, क्योंकि किसी को बदनाम करना मकसद नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम चीज की तरफ इशारा करना जरूरी है। मोबाइल के इस फितने ने क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या औरतें और क्या बच्चे, वैसे तो इसमें किसी को खास नहीं किया जा सकता, लेकिन नौजवान लड़के और लड़कियां और खास तौर से बच्चे इस मोबाइल के नशे के आदि हो चुके हैं। आज इस फितने के दौर में सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा नशा ये मोबाइल बन चुका है, और इसका गलत इस्तेमाल। मोबाइल को गलत इस्तेमाल ज्यादातर नौ उम्र बच्चे और बच्चियां, औरतें, लड़के और लड़कियां कर रही है, जिसका समाजी जिंदगी पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है और बर्बाद हो रही है, बच्चे बिगड़ चुके हैं, मियां बीवी में तलाक की नौबत आ गई है। हम रोज देखते हैं कि लोग मोबाइल पर चार चार पांच पांच छह छह घंटे अपना वक्त उस पर देते हैं, बीवी मोबाइल में लगी हुई है। शौहर जब थका हारा घर आता है तो कितने शौहरों को तो खुद खाना निकाल कर खाना पड़ता है, क्योंकि बीवी कहती है कि मैं सीरियल देख रही हूँ, मैं गेम खेल रही हूँ। नौजवान लड़के लड़कियां, कम सिन बच्चे और बच्चियां इस मोहलिक बीमारी में लतपत हो चुके हैं। बच्चों का छोड़िए, हमारा खुद का ये हाल है, हम खुद नेगेटिव कामों में डूबे हुए हैं और मोबाइल जैसे फितने में मुफ्तला है। घर, बाजार, मस्जिद, रास्ता, कब्रिस्तान, हर जगह मोबाइल धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। न किसी का अदब है, न एहतराम है, न मस्जिद का एहतराम है, न कब्रिस्तान का एहतराम है, न अल्लाह का डर और खौफ है। हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि कब्रिस्तान में भी बेखौफ होकर मोबाइल पर लोग बातें करते हैं, हंसते हैं। आज मोबाइल ने लोगों की हया, शर्म, गैरत, इज्जत, एहतराम सब कुछ खत्म कर दिया है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने शहरों में, देहातों में, देहातों को भी अपने चपेट में ले लिया है। आज इंटरनेट हर अमीर गरीब की दस्तरस में है, यानी उसके काबू में आ गया है। इसलिए फहिश और नंगी फिल्मों की इंटरनेट पर बहार आ गई है, बटन दबाते ही सब कुछ सामने आ जाता है। इसकी वजह से नौजवान लड़के और लड़कियों में जबरदस्त बिगाड़ आ रहा है। फिल्में देखने के बाद नौजवान लड़के और लड़कियों के जज्बात में हैजान पैदा होता है। फहिश तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर बेशुमार वेबसाइट्स खुले हुए हैं। बाकायदा तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने की वजह से इश्क में गिरफ्तार होकर दीन और मजहब से बेगाना हो चुकी है और हो रही है, गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही है। देहातों में तो इसका चलन आम हो गया है। अनपढ़ और गवार लड़कियां भी इंटरनेट और दूसरे ऐप्स की मुकम्मल मालूमात रखती है।
घर का सिम कार्ड अलग और इन्हीं लोगों को बताने का सिम कार्ड अलग और अपने आशिक से बात करने का सिम कार्ड अलग। ऐसे भी कई वाकयात सामने आ चुके हैं कि घर का सिम अलग और फिर जैसी बातचीत खत्म हो गई फौरन दूसरा सिम लगा देती है। बच्चे गेम खेलने में दीवाने हो चुके हैं, लूडो कैरम ऐसे गेम में कमसिन बच्चे इसके आदि होकर अपनी मासूमियत खो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर होते जा रहे हैं। अक्सर लोग बल्कि सभी अपनी प्राइवेसी के लिए मोबाइल पर लॉक लगाते हैं, लेकिन ये लॉक लगाना कभी कभी बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। मोबाइल पर पासवर्ड की वजह से जहां आसानियां है अपनी प्राइवेसी मिलती है, वहां पर कभी कभी काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे वाकयात मैंने एक वाकया पढ़ा था कि मोबाइल पासवर्ड की वजह से एक हामिला खातून, उसके मोबाइल पर पासवर्ड था, एक हामिला खातून यानी प्रेग्नेंट औरत सीढ़ियों से गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। उस वक्त तो उसके घर में सिर्फ उसकी 10 साल बेटी के सिवा कोई भी नहीं था और बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने अपने अम्मी का मोबाइल उठाया ताकि अब्बू को कॉल करे, लेकिन मोबाइल पर पासवर्ड लगा हुआ था, बच्ची कुछ नहीं कर सकी। आखिर को माँ बेहोशी की हालत में उसका इंतकाल हो गया। इसी तरह एक और वाकया पेश आया कि तीन दोस्त साथ में सफर कर रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक अजनबी ने यह सारा मामला देखा, तीनों को तड़पता हुआ देखा तो वो मदद करना चाहता था, लेकिन ये हुआ कि उस आदमी के पास मोबाइल फोन नहीं था और जो कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें 6 मोबाइल थे मगर हर एक मोबाइल पर पासवर्ड लगा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा नहीं सके और तीनों ने अपनी जान गंवा दी। बहरहाल ये मोबाइल का देखिए नेगेटिव जो मैंने जितनी बातें बताई, ऐसा नहीं कि मोबाइल नुकसानदेह ही है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नुकसानदेह है। देखिए झूले रस्सी से झूला भी बनता है और फांसी का फंदा भी, हमारे इस्तेमाल के ऊपर है। हमारे इस्तेमाल मोबाइल का दूसरा पहलू यह भी है कि आज के दौर के हैरत अंगेज इनकलाबी वो दरियाफ्त है, वो एक जादुई डब्बा है, उसके फायदे भी बहुत हैं। वो जमान और मकान के सारे फासले उसकी वजह से खत्म हो चुके हैं, जैसे दुनिया उस मोबाइल के अंदर सिमट चुकी है। हम आनन फानन में दुनिया के किसी भी गोशे में हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वाके हालात मालूम कर सकते हैं, रबते आसान बन चुके हैं। इसका सही इस्तेमाल हमारे लोगों के मुस्तकबिल को रोशन भी कर सकता है और कर रहा है, और गलत इस्तेमाल पूरी इंसानियत को तबाही और बर्बादी के गार में ढकेल भी सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर मोबाइल का इस्तेमाल मुस्बत तौर पर किया जाए, पॉजिटिव किया जाए, तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। मनी ट्रांसफर होती है, ओला कैब्स बुक होते हैं, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा जा सकता है, उसमें मोबाइल मतलब फोन पर बात की जा सकती है, उसमें घड़ी है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, मौसम का हाल मालूम किया जा सकता है, अखबार पढ़े जा सकते हैं, रसाई पढ़े जा सकते हैं, लाखों करोड़ों किताबें उसमें मौजूद है, लाइब्रेरी अपलोड है, हर मौजू पर किताबें वहां पर दस्तयाब है, उनसे फायदा उठाया जा सकता है। मोबाइल हैरत अंगेज ईजाद है, अगर उसका मुस्बत और पॉजिटिव और सही इस्तेमाल किया जाए तो भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, लोग उठा रहे हैं, बहुत सारी मालूमात फराहम हो सकती है। वह हमारे नौजवानों ने मोबाइल का सिर्फ गलत इस्तेमाल किया और माँ बाप ने उनको खुला छोड़ दिया। चंद मशवरे वालिदैन के लिए है कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें तो वो मोबाइल के इस फितने से बच्चों को रोका जा सकता है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में मदद मिल सकती है। एक तो बच्चों को मोबाइल का चस्का लगने से यानी लत लगने से बचाना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, इसका आदि नहीं बनने चाहिए बच्चे। और नौजवान लड़के लड़कियों के फोन चेक किया करें और तंबीह भी करते रहे, मोबाइल के गलत इस्तेमाल के नुकसान के बारे में बताते भी रहे। खास तौर से लड़कियां जब तन्हाई में मोबाइल इस्तेमाल करें तो वालिदैन उस पर खास ध्यान दें। तालीम के नाम पर बहुत सारी लड़कियां अपने माँ बाप को धोखे में रखकर पूरी रात गुजर जाती है और अजनबियों से चैटिंग करती रहती है। ये घर के लिए, माशरे के लिए बहुत मोहलिक है।
मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से बुराइयां जन्म लेती है जो महजब मुआशरे के लिए इंतहाई तबाकुन बन चुकी है। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल बहुत सारे फायदे उसको पहुंचा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल तबाही की तरफ ले जाया लेकर जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, कोई भी चीज फी नफ्स ही बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। इस मोबाइल का हम सही इस्तेमाल करें तो यह हमें फायदा भी देगा, लेकिन हमारे नौजवान इसका गलत इस्तेमाल करके घंटों इसमें बर्बाद करके अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।